जय हिंद डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। द रिएक्शन पी वी इक्वल टू आर टी कैन बी डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ एन रियल गैस। देखो बेटे, गैस को दो तरीके से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेकर करते हैं, एक रियल गैस और एक होता है आइडियल गैस। आइडियल गैस और ये रियल गैस। जो रियल गैस होता है बेटे, उसमें सब कुछ चलता है वंडरवाल हाइपोथेसिस से या वंडरवाल इक्वेशन से, या इसके लिए वंडरवाल इक्वेशन होता है। इसमें जो होता है आइडियल गैस में, हम ज्यादातर चार्ल्स और बायल्स ला से काम चलाते हैं, चार्ल्स और बायल्स ला से। इसका इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और इसका इक्वेशन होता है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर समथिंग, ऐसे कुछ करके होता है। एग्जैक्टली आप मैच करा लेना, कुछ ऐसे होता है इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, यही होता है कुछ ऐसे इक्वेशन बेटे, ध्यान से देख लेना आप, यहां शायद एन होता है। ठीक है, तो ये बायल सला से हो जाता है बेटे। यहां पर कह रहा है कि ये जो रिलेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें एन इक्वल टू एक मोल रख दिया है, पीवी इक्वल टू आरटी के लिए बात कर रहा है ये। कंसिडर द बिहेवियर ऑफ द रियल गैस, रियल गैस कह रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारी प्रैक्टिकल गैस है, जो प्रैक्टिकल गैस है जिस पर हम लोग काम करते हैं, उसको रियल गैस बोलते हैं। प्रैक्टिकल गैस मतलब जिसको, जिस पर काम करते हैं और जिस पर सारी हाइपोथेसिस लगा के हम इसे प्रैक्टिकल के लिए तैयार करते हैं, उसको आइडियल गैस बोलते हैं, जो कि पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला है। कह रहा है इसमें अगर पीवी इक्वल टू आरटी है तो डिस्क्राइब कर रहा है रियल गैस क्या होगा। आपको बता दें, एक ग्राफ हमने यहां पर बनाया है इसको समझने के लिए। ये हमारा पीवी का ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, और किसी मटेरियल का टी वन टेम्परेचर पर ये बिहेवियर है। टी वन क्या है, टी टू टेम्परेचर लिया, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो देखा हमने कि प्रेशर को, यहां पर देखो प्रेशर को घटाना शुरू किया तो वॉल्यूम एक्सपेंड होने लगा, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करते ही, यानी कि बायलसिला की हम बात कर रहे हैं बेटे, याद रखना बायलसिला की बात कर रहे हैं हम। देख रहे हैं कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो रहा है, और आप हमने क्या किया फिर, टी टू टेम्परेचर है, थोड़ा सा और इंक्रीज किया टेम्परेचर को और टी वन कर दिया, यानी कि टी टू टेम्परेचर से बड़ा लिया हमने टेम्परेचर, टी वन लिया, थोड़ा सा बड़ा टेम्परेचर लिया, लेकिन टी वन टेम्परेचर को भी हमने क्या कर दिया है, कॉन्स्टेंट कर दिया है। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा तो लिया लेकिन उसको कॉन्स्टेंट कर दिया। तो देख रहे हैं कि अब हमारा क्या हो रहा है कि प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर हमारा जो बहुत एकदम से डिक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज नहीं हो रहा, धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज करने पर वॉल्यूम हमारा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। यानी कि फिर से हमने क्या देखा कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। लेकिन एक चीज देखिए आप, एक चीज यहां पर और देखना होगा इसी क्वेश्चन से, कि प्रेशर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम घट रहा है, तो ये चीज देखने को मिल रही है। अच्छा, वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो डेंसिटी बेटे याद रखना डिक्रीज होगी। वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटे, इंक्रीज होगी। और प्रेस देखो इधर, यहां से देख रहे हैं प्रेशर हम यहां पर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहां पर देखें प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर भी तो इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इस वाली केस के लिए अगर हम देखें कि प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब काम कब कर रहे हैं, जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि हम एक चीज देख लिए हैं कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा ले और कॉन्स्टेंट करें कई सारे स्टेप में, T1, T2, T3, ऐसा T1 प्रेशर लिया लेकिन वो टेम्परेचर लिया लेकिन कॉन्स्टेंट, T2 टेम्परेचर लिया लेकिन कॉन्स्टेंट, T3 टेम्परेचर लिया कॉन्स्टेंट, धीरे धीरे टेम्परेचर के बढ़ाने पर हम देखते हैं कि वॉल्यूम एक्सपैंड भी होता रहता है, जिसके रिजल्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और फिर आप अगर इस वाले के लिए बात करें तो इसका जस्ट उल्टा यहां पर मिलता चला जाता है। आपको यहां पर दिखा दें कि ये रियल गैस हमने क्या किया, आइडियल गैस का ग्राफ ड्रॉ किया, ये कंटिन्यूस जो लाइन है इसकी रियल गैस के लिए हमने इसको क्या किया, ड्रॉ किया। तो देख रहे हैं कि T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर में आप देखिए T1 टेम्परेचर थोड़ा सा ग्रेटर क्या कर दिया, हम देख रहे हैं कि इस तरीके से मिल रहा है। तो यहां वाले के लिए अगर बात करो आप, यहां वाले पॉइंट के लिए बात करो आप, तो देख रहे हैं कि प्रेशर हमारा क्या है, लो है। प्रेशर क्या है, लो है। प्रेशर आपका क्या है, लो है। और आप देखो प्रेशर लो होने पर वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हुआ है आपका, बढ़ा हुआ है।
वॉल्यूम आपका क्या है, हाई है। वॉल्यूम क्या है बेटे, हाई है। जिस पॉइंट पर वॉल्यूम हाई हो रहा है, जिस पॉइंट पर वॉल्यूम हाई हो रहा है उस पॉइंट पर डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। अरे भाई ऐसे देखो बेटे आप कि एक कंटेनर में 5 मॉलिक्यूल थे, तो अब इस यहां पर अब उसी कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, अभी भी 5 ही मॉलिक्यूल होंगे, तो अब और दूर दूर हो गए। अब जब मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और जब पास पास आते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि वॉल्यूम के एक्सपेंड होने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि प्रेशर लो हो गया, वॉल्यूम हाई हो गया, और इसके रिजल्ट में डेंसिटी लो हो गई। और जब डेंसिटी लो हो गई तो हम देख रहे हैं कि आइडियल गैस का ग्राफ रियल गैस की ग्राफ से बिल्कुल ऐसे आके क्या हो गया है, कॉइंसाइड कर गया है। आइडियल और रियल गैस कॉइंसाइड हो गया है। इसका ये मतलब हो गया कि हम बात करने वाले हैं यहां पर बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दें फिर भी कॉन्स्टेंट करें, बढ़ाते रहें लेकिन कॉन्स्टेंट करें, किसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर अगर ये ग्राफ ड्रॉ करें तो हम देखते हैं वहां पर क्या मिलता है हमको। वॉल्यूम हाई मिलता है, डेंसिटी लो मिलता है, प्रेशर लो मिलता है। अब आप देख लो कि इस ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है आपको। कह रहा है पीवी इक्वल टू आरटी द डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ द रियल गैस। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होने पर हाई डेंसिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, यह वाला ऑप्शन गलत हो गया बेटे, ये ऑप्शन गलत हो गया। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई करने पर लो डेंसिटी मिल रही है, हाँ लो डेंसिटी मिल रही है, ये ऑप्शन सही हो गया। लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर करने पर, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं तब ये रियल गैस आइडियल गैस ये सब मिल रहा है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ये काम होता है, तो लो टेम्परेचर नहीं, लो डेंसिटी, लो टेम्परेचर, लो डेंसिटी नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि डेंसिटी और टेम्परेचर तो आपस में एक दूसरे से इनवर्सली रिलेशन में है। तो लो टेम्परेचर और हाई डेंसिटी, लो टेम्परेचर और हाई डेंसिटी, और हम देखते हैं कि ये जो काम होता है ये काम किस पर होता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर होता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, केवल ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही जा रहा है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही जा रहा है कि हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी, इस ग्राफ से भी वो चीजें निकल कर आ रही हैं।